दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और रिजल्ट आप देख सकते हो कि ऑलरेडी पहले हमने अंदाजा लगाया था उसी के आसपास आया। अगर आपको पता होगा तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ के आसपास रह सकता है, तो उससे थोड़ा कम हुआ है, यानी पहले से ही अंदाजा लग गया था कि इस बार प्रॉफिट कम होगा और इसके पीछे वजह थी कि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये सिर्फ ट्राइडेंट की बात नहीं है, पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को इसकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। रॉ कॉटन की प्राइस में बहुत ज़्यादा अपडाउन देखने को मिला, उसका असर भी देखने को मिल रहा है और डिमांड तो बहुत कम है, जबकि ट्राइडेंट लिमिटेड 54% का सारा कारोबार तो उनका एक्सपोर्ट से आता है और इसके लिए ट्राइडेंट को उसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि कंपनी आने वाले समय में अपने केमिकल डिवीजन के कारोबार को भी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, पेपर डिवीजन में भी अपना कामकाज अच्छा करिए, तो नतीजे आने वाले समय और बेहतर हो सकती है। यानी उस रिजल्ट को हम वैसे ही समझ रहे हैं जैसा अंदाजे के हिसाब से था, तो कोई इसमें ज़्यादा इसके झटके वाली बात नहीं है। प्रॉफिट अभी भी बना हुआ है और आने वाले समय में जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की सरकार ने जो योजनाएं लाई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाए गए, इन सबका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और आने वाले समय में ट्राइडेंट भी शानदार करता हुआ दिखाई देगा। तो इस रिजल्ट को अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे, साथ में कुछ और बड़े फैसले लिए गए मैनेजमेंट की तरफ से उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या ट्राइडेंट में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए और गिरावट के बाद में निवेश करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32.90 पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 32.90 पर ही थी और इंट्राडे का यही लो है, जो हाई है वो 33.65 का है, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी, अंत में क्लोजिंग 33.10 पर रही जहाँ पे 0.61% की तेज़ी देखने को मिली। अब ये तेज़ी कम बनी इसके पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट, आपने देखा ही होगा कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हावी हो गई और इसके पीछे वजह रही FI। बहुत समय के बाद FI ने बाजार में जम के बिकवाली की है, करीब 4000 को भी इसके आसपास की बिकवाली FI की तरफ से हुई है और बाजार में जिस तरह से बिकवाल बने उस हिसाब से हो सकता है बाजार में करेक्शन भी आए, क्योंकि ये बहुत समय के बाद हम देख सकते हैं पिछले 2-3 महीनों के बाद पहली बार FI की तरफ से भारी बिकवाली हुई आज। लेकिन आने वाले समय देखना होगा कि रुझान कैसा रहेगा FI का। आज अगर हम इसकी प्रदर्शन को देखें तो थोड़ा वीक ही दिखाई दे रहा है ट्राइडेंट और काफ़ी समय से 33 के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई की अगर हम बात करें तो स्टॉक 32.80 के आसपास था, 0.3% की गिरावट हुई थी। 21 जुलाई की बात करें तो स्टॉक 33.25 के आसपास क्लोजिंग दी थी जहाँ पे 1.4% की तेज़ी बनी थी, लेकिन 24 जुलाई को फिर से स्टॉक 33.05 पर आया और 0.6% की गिरावट हुई। बात 25 जुलाई की करें तो स्टॉक 33 के आसपास था जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई और 26 जुलाई को 32.90 के आसपास स्टॉक आया और 0.3% की गिरावट हुई, लेकिन आज स्टॉक ने फिर से कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग दिया गिरते बाजार में और ये सबूत है कि 33 का इसका एक मजबूत सपोर्ट है और आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो यार डिमांड वीक होने की वजह से यहाँ पे रिजल्ट में कमी देखने को मिल रही है। तो आप देख ही सकते हो कि कोरोना के बाद में लोगों ने अपने रहन सहन में बदलाव किया, अब जो लोग हैं अपने सेहत का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, उसको सेहत को लेकर ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं न कि अपने रहन सहन के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर, और इसी वजह से देखें तो जो डिमांड है कपड़ों की वो काफ़ी कम हुई है कोरोना के बाद में। अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ, तो सबसे पहले सेल्स की बात कर लेते हैं। जून 2022 में कंपनी का सेल्स 1680 करोड़ के आसपास था, इस बार जून 2023 में सेल्स 1494 करोड़ के आसपास रहा है। बात अगर करें मार्च क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर की तो 1573 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स था, तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स बिल्कुल कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको सेल्स कम होता हुआ दिखाई देगा। और आपको पता होगा तो हमने सेल्स का अंदाज़ा 1500 करोड़ के आसपास लगाया था और बिल्कुल उतना ही सेल्स दिखाई दे रहा है, यानी जो हमारा अंदाजा था बिल्कुल उसी के हिसाब से अनुरूप यहाँ पे कंपनी का आपको सेल्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के खर्च की बात करें तो पिछली बार देख सकते हो जून क्वार्टर में 1418 करोड़ का खर्च था, इस बार कंपनी के खर्च में कमी है क्योंकि बिजनेस ही कम हो तो खर्च भी कम ही होगा सामने नेचुरली, तो 1216 करोड़ का इस बार खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में ये 1305 करोड़ के आसपास था खर्च, तो खर्च में भी कंपनी की कटौती आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में जून में 262 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, 231 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है और पिछले क्वार्टर की बात करें मार्च के तो ये 269 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है।
यहाँ पे अगर हम ओपीएम परसेंटेज में देखें तो 16% के आसपास था पिछले क्वार्टर में, इस बार 15% के आसपास रहा है, लेकिन ये क्वार्टर फोर में 17% के आसपास था। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कि कंपनी की अदर इनकम पिछले साल सेम क्वार्टर में जून में 5 करोड़ के आसपास थी, इस बार 11 करोड़ की हुई है, तो अदर इनकम बढ़ी यानी लगभग डबल हुई है। और पिछले क्वार्टर में नहीं, क्वार्टर फोर में देखें तो ये 7 करोड़ के आसपास थी, तो आपको अदर इनकम बढ़ती हुई देखा देगी, आप चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले। इंटरेस्ट की बात करो, पिछली बार ये 19% के आसपास था, इस बार 32% के आसपास रहा है, पिछले क्वार्टर में 22% के आसपास, तो इंटरेस्ट बढ़ा है। अब यहाँ पर अगर हम सबसे जो बड़ी बात है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 172 करोड़ के आसपास था, इस बार कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स 122 करोड़ का मिला है, और पिछले क्वार्टर में ये 173 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले। अब हम बात करते हैं उस आंकड़े की जिसको सबका इंतजार होता है, वो है नेट प्रॉफिट का। तो 129 करोड़ का प्रॉफिट होता है जून क्वार्टर में पिछले साल, इस बार 91 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर में ये 131 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो हमारा अंदाजा था 100 करोड़ के आसपास रहेगा, उससे प्रॉफिट थोड़ा सा और कम हुआ है, लेकिन बिल्कुल आंकड़े सटीक आए, क्योंकि अंदाजा था कि जिस तरह से प्रोडक्शन लिमिट कम हुई है, प्रोडक्शन गिरा है, तो असर होगा कि रिजल्ट कम रहेगा, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का बिजनेस आने वाले समय और शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ट्राइडेंट में आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट उसी हिसाब से है जैसा हमने अंदाजा लगाया था। ईपीएस देखो 0.25 रुपीज़ का था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो इस बार 0.18 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 0.26 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट वैसा ही है जैसी संभावना थी। अब अलग अलग सेगमेंट की बात कर ले तो इस बार जून क्वार्टर में यान के डिवीजन से इनको टोटल इनका जो रेवेन्यू अर्न हुआ वो है 6,436 मिलियन रुपीज़ का, और मार्च क्वार्टर में ये 7,284 मिलियन रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 10,223 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि यान का प्रोडक्शन इनका घटा है। बात करें टॉवेल डिवीजन की तो 5,962 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा इस बार, और पिछले क्वार्टर में ये 5,651 मिलियन रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए 5,386 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो टॉवेल डिवीज़न ने अच्छा किया है यहाँ पे, इस बार आप देखते हो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बेडशीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2,873 मिलियन रुपीज़ का इस बार टोटल इनका रेवेन्यू मिला है, और पिछले क्वार्टर में 3,036 रुपीज़ के आसपास था, मिलियन रुपीज़ के आसपास, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2,723 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो इस बार आपको बेडशीट सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब पेपर एंड केमिकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 2,606 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा टोटल रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर में 3,390 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,235 रुपीज़ के आसपास था मिलियन रुपीज़। तो ये पेपर और केमिकल डिवीजन में भी इस बार कुछ कमी रह गई है। अब यहाँ पे हम कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें, इस बार 12,238 मिलियन रुपीज़ के आसपास रही है, पिछले क्वार्टर में ये 12,121 मिलियन रुपीज़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 11,524 मिलियन रुपीज़ के आसपास थी। तो आप देख लो कि ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो लाइबिलिटीज़ आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो आपको लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल इस बार कंपनी की लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ी है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है कि कुछ यहाँ पे रिजिग्नेशन हुआ है, जिसमें देखो कि मिस्टर हरि कृष्णा का जो रिजिग्नेशन किया उन्होंने कंपनी के सेक्रेटरी की पोस्ट से, और ये 14 अगस्त 2023 से लागू होगा इनका रिजिग्नेशन। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर अरविंद मेहता, जो कंपनी के सेक्रेटरी होंगे तो 15 अगस्त से ये इनकी जगह लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के सेक्रेटरी ने इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन दिया, उनकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट भी कर ली गई है, और कुल मिला के देख सकते हो कि रिजल्ट के अंदर वही संभावना थी जो पहले बनने सोची थी, और उससे कोई अलग हटके नहीं आई है, और आने वाले समय में डेफिनेटली एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बनेगा। कंपनी की एक बार सब्सिडीज़ को भी हम देख लेते हैं, कंपनी का बिजनेस के लिए कौन सी उनकी सब्सिडी, तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड देख सकते हो कि एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, ये इनकी एक सब्सिडीज कंपनी। इसके अलावा ट्राइडेंट ग्लोबल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्राइडेंट ग्लोबल INC USA लिमिटेड दिखाई देगा, इसके अलावा ट्राइडेंट होम डिकोर लिमिटेड, ट्राइडेंट इनोवेशन लिमिटेड, ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल लिमिटेड और ट्राइडेंट ग्लोबल BV, ये इनकी सब्सिडीज कंपनी है।
तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और लगातार अच्छे पैटर्न हासिल हो रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 33 के आसपास मिलने में आपको कितना भी मौका अच्छा है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो रिजल्ट से ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, प्राइस थोड़ी और नीचे आ सकती है। जितना डीप में मिले खरीदारी का मौका है, आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।